समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य ने केंद्रीय बजट के प्रचार प्रसार के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई। साथ ही सांसद संघमित्रा मौर्य से पत्रकारों ने उनके पिता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केवल केंद्रीय बजट से जुड़े हुए सवाल ही कीजिए कि जब बजट की उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से होती है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि बजट और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसके बाद संघमित्रा बिना किसी सवाल का जवाब दिए हुए निकल गई। मौका मिलता रहेगा, कभी चाय पीने का मौका मिलेगा तो कभी साथ में खाना खाने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी से पहले कृष्णा लॉन में हो चुकी। एक सवाल सांसद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, हमने कहा आज इसके अलावा कोई वार्ता नहीं, अगली वार्ता के लिए हम अलग से बैठे। आज जिस बात के लिए आप लोगों को बुलाए हैं आज इम्पोर्टेंट वही है और उसी पर चर्चा होगी। अगली मुलाकात अगली जब सब कुछ स्पष्ट हो गया।